गुड मॉर्निंग, अभी 6 बज रहा है और आज का एक्सपीरियंस यार नेक्स्ट लेवल ही हो गया। कल जब मैं आया था तो यहाँ पाटलिपुत्र में उतरा था और मुझे फिर जाना था गांधी मैदान, तो 11 ऑलरेडी बज चुका था। तो ये वहाँ जब मैं जहाँ खाना खाया था बेसिकली, तो वो भाई बोल रहे थे कि सिक्योरिटी बहुत इशू है, सिक्योरिटी का बहुत इशू है पटना में। और मैंने भी नोटिस करा चीज़ें, मेरा ही फ़ोन चिंता नहीं थे बचा, इसीलिए भाई वो कह रहा था होटल ले लो, उधर होटल लेना हो तो 600 रुपये लगेंगे या फिर मैं रुकवा देता हूँ 300 रुपये लगेंगे। मैं फिर टोटली डिफरेंट प्लेस में रुकाऊँ जो कि एक सैलून है, आउट ऑफ द बॉक्स मैन। सो के उठा है, फ्रेश हो गया है और एक अभी निकलेंगे, एक आध घंटे का रास्ता आई थिंक बताए मुझे सर, मुझे उन्होंने बताया कि 20-22 किलोमीटर रहेगा यहाँ से। कितना रहेगा गांधी मैदान जाने का? हाँ 10 किलोमीटर ही है गांधी मैदान कह रहे हैं, 10 किलोमीटर है। कल आपको भाई ने बोला था 23 किलोमीटर होगा, 20-23 किलोमीटर। चलो देखते हैं यार, गांधी मैदान के लिए इधर से ऑटो मिल जाएगी, ऑटो लेके निकल लेंगे। बेसिकली मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अभी आज रात को मैं इधर ही रुका था, इधर बिस्तर लगा के आज रात इधर ही रुका था। गांधी मैदान इधर है या टाउन में ना? अच्छा उधर है, चलिए शुक्रिया, ठीक है, चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। तो भाई साहब निकल दिए हम। अरे यार वो जो कल रात को जहाँ मैंने खाना खाया था ना 60 रुपये, उनको भी देने थे यार, अभी जाके देता हूँ। रात को ध्यान नहीं रहा था मुझे देने का और उन्होंने मांगा भी नहीं था। पटना में एंट्री करते करते ना पैसे की रेड मर गई भाई, 300 रुपये का स्टे हो गया अपना सैलून में। खाना पीना भी बहुत महंगा, चीज़ें एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चली गई। सिक्योरिटी मामले के हिसाब से यार उतना सही नहीं है सिटी, बहुत 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 बुरा है सिक्योरिटी मामले के हिसाब से। क्योंकि ये तो सिर्फ सुनी हुई बातें हैं ना, कल रात को भाई ने बोला कि इधर छिनचोरी भी होता है, पैसे वैसे ले लेते हैं, रात का समय सेफ नहीं है, खास करके उधर जाओगे तो और दिक्कत हो जाएगी। और मैंने खुद से पर्सनली भी ये चीज़ नोटिस करा है, कुछ एक्सप्लेन करूँगा अभी। और भाई कैसे हो? ठीक है। लाइक पटना एक्चुअली मेरे लिए बिल्कुल नया ही है, तो मैं इधर आया था और यहाँ आके पता चला कि गांधी मैदान यहाँ से बहुत दूर है, तो भाई लोग जो है मना कर रहे हैं, सजेस्ट किया कि मुझे मत जाओ उधर, तो बहुत ही खतरा है। भाई भी कल का भी सीन बता रहे हैं कि क्या हो गया, ना जाना यार, आज जा भाई वो चीन से होता है चोरी चमारी होती है, इसलिए भाई को बोला मैं यहाँ डर जाओ यार, बगल में हॉलीपति वाला होने के लिए। तो भाई कह रहे हैं कि कल परसों एक ऑटो में एक बंदा गया था, अखबार में भी आया था, उसको मतलब गांधी मैदान जाना था, यहाँ से गया और छीन से पटना लिया, अकेला था। कह रहे हैं कि ऐसे भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हो सके तो मॉर्निंग को जाना, जब या फिर 2-3 बंदे अगर ऑलरेडी रिक्शे में हो ना तब जाना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं आज नहीं जाया जाए, कल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। चेंज कर लीजिए, इधर का भी निपट गया पैसा, लगभग यार 500 रुपये खर्च हो गए पटना में ओवरनाइट में। ये सारे पैसे जो है मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया है, मुझे थोड़ा सा सही लग नहीं रहा था यार, लोग भी कह रहे हैं इतना, मेरे पास सामान भी है, कैमरा था, लैपटॉप था, फ़ोन था, अगर कुछ गलत हो जाता ना तो बहुत 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 बुरा होता अपने साथ, इसलिए सोचा थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं तो लगने दो, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पटना जंक्शन में आ चुके हैं, गांधी मैदान के लिए यही सुविधा मिली और आगे जा रहे हैं, आगे से गांधी मैदान के लिए मिल जाएगी। कल जिस ट्रक से मैं जा रहा था भाई थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके थे और रात हो चुकी थी काफ़ी, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था तभी देखा कि दो बंदे आते हैं बाइक से, ये रुका था और मतलब 35 के आसपास होगा, एक लड़का था जो कि 25 के आसपास होगा और एक बड़ा था जो कि 35-40 के आसपास होगा। उतरता है बोलता कि भाई मुझे एक कॉल करना है, बाद करा दोगे? उसके मैं देखा आसपास, एक्चुअली पूरा सुनसान एरिया था, कोई नहीं था। इतने में ही जो ट्रक ड्राइवर वाले भाई साहब थे वो देख लिया, वो आए मेरे पास, उन दोनों को वहाँ से भगाया और मुझे पूरा किस्सा समझाया कि यहाँ पे फ़ोन इस तरह चोरी होता है, तुम उसे दोगे? एक बंदा एक्चुअली बाइक में बैठी गाड़ी स्टार्ट ही था उनका,
तुम इसे फ़ोन दोगे या फिर छीन छोड़ के लेके भाग जाएगा, तुम अकेले होते तो लेके चला जाता। तो बंदा वहाँ तो मेरा फ़ोन बच गया, ठीक है। मुझे भी देख के ऐसा कुछ वाइब्स आ रहा था, नेगेटिव वाइब्स आ रहा था, देख के फील हो रहा था कि नहीं कुछ गलत ही होने वाला है, लेकिन मैं डर भी रहा था यार, क्या पता हथियार उथियार निकाल दें। नेक्स्ट अपने साथ दूसरा कांड हो गया, जहाँ भाई साहब ने छोड़ा था, बोला कि केयरफुली यहाँ स्टे उस्टे करना मत, बाहर कहीं टेंट लगा के रुकना मत, बहुत ही डेंजरस एरिया है। जब मैं यहाँ आया शायद 11-12 बज रहा होगा, जहाँ मैं खाना खाया था उसने मुझे पूरा डिटेल दे दिया इस एरिया का। उसने बोला कि भाई ये एरिया सही नहीं है, सेफ नहीं है, तो तुम केयरफुल होकर रहना, जाना भी हो अगर गांधी मैदान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, जाना भी हो तो बिल्कुल केयरफुल होकर जाना, तो बहुत ज़रूरी है, तभी जाओ वरना रुक जाओ। फिर मैं बोला भाई यहाँ किधर रुकूँगा, फिर मैं उसे बताया कि टेंट है मेरे पास, बोलता नहीं नहीं टेंट में मत रुकना, यहाँ तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरी हंडी तक चुरा लेते हैं, उन्होंने ऐसे बोला। और तुम अगर अभी ऑटो से गए या यहाँ रुक के, तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। ऑटो से गए तो ऑटो वाले करते हैं ऐसा है कि आपको लेके जाएंगे ऑटो से, और उसका बंदा फिट होता है और सामान वहीं से वहीं आपका छिन जाएगा। मैं सोचा कि यार ये एडवेंचर नहीं, फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर बाहर रुकना आज, इसलिए मैं वहीं पे उसी भाई के रिकमेंडेशन में एक सैलून था उसके पास रुका था, उन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज करे, थोड़ा कुछ ज़्यादा तो था, लेकिन भाई कैमरा लैपटॉप था मेरे पास, कैमरा था, फ़ोन था। बोल रहे हैं कि कैमरा फ़ोन तो छोड़ो, जूते तक नहीं छोड़ते, तो भाई दिक्कत हो जाता अपने लिए, फिर यहाँ रिस्क ले नहीं सकते थे। दूर में एक बोर्ड दिख रहा होगा, लिखा है वाहन चोरों से सावधान। मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल 6-7 बज रहा है, और पैदल चलने से थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा, बॉडी भी सही रहेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हर चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे 5-6 घंटे चलेंगे आज भी, सिटी के अंदर ही सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक्चुअली गांधी मैदान से गुजर रहा था, फिर सोचा कि जब गांधी मैदान आ ही गए हैं तो एक्चुअल में मैदान आया जाए। आगे पुलिस वालों का वो परेड हो रहा है, डॉगी परेड, मतलब जो ट्रेंड डॉग्स हैं, भाई पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ ट्रेंड डॉग लाइव अपने नेकेड आईज से, तो अलग ही फील है यार। मतलब जैसे जैसे वो बोल रहे हैं सावधान विश्राम, तो वैसे वैसे हर एक कमांड पर एक्ट करता है। बेसिकली आई वॉज नॉट अलाउड टू शूट जो परेड हो रहा था ना डॉग्स का, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू शूट, मैंने पूछा, तो कहीं ना कहीं अगर वो मना कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। मैं ऐसी जगह मतलब तो चोरी छुपे शूट नहीं करता जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो थोड़ा सा भी, तो उन्होंने मना कर दिया, मैंने शूट नहीं किया, लेकिन भाई देखा भाई दिल खुश हो गया। बेसिकली गांधी मैदान से भी निकल चुके हैं और मेरा लोकेशन पटना यूनिवर्सिटी का है, मतलब मुझे पटना यूनिवर्सिटी पहुँचना है, तो यहाँ से ऑटो मिलती है और मैं अभी ऑटो लेके जाऊँगा नहीं, सीधा पटना यूनिवर्सिटी निकलेंगे। पीछे पूछा था, वो बोला था यहाँ आके काम है, यहाँ से राइट मोड़ना होगा और सीधा सीधा पटना यूनिवर्सिटी 2-2.5 किलोमीटर बता रहे हैं, घंटे भर में पहुँच जाऊँगा यार। देखते देखते अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, सूरज भी अपना कहर नहीं ढा रहा है, यहाँ से राइट करने को पड़ेगा पटना की ओर से। पहले पानी पिया जाए भाई साहब, बोतल बिल्कुल खाली हो रखा है। गांधी मैदान के पास एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे अपन पानी फिल कर रहे हैं, देखो चिल्ड पानी।
दो तीन घंटे हो गए तब से मैं पैदल चल रहा हूँ, और लाइव लोकेशन अभी मेरे दोस्त ने शेयर किया तो 400 या 500 मीटर के डिस्टेंस में, वो भी मेन रोड पे आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। मिलवाते हैं अभी, एक नंबर का छट्टूबाज आदमी है। कल मैं उधर रुका था, बोला है भाई लेने आ जा, बहाना मार दिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं यार दुनिया में, पता ही नहीं चलेगा आपको कब बेच के खा जाए। भाई मिल गया, भाई से मुलाकात हो गई है, आज जाके पहले रेस्ट करेंगे। चाय हाँ पिला भाई, चाय पिला। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever want to. अब यहाँ पर इस प्लेस का नाम है सब्जी बाग, और ये समझ लो कि ओल्ड पटना का बड़ा आइकॉनिक और बहुत ही ओल्ड जगह है। यहाँ पे बेकरी का सामान यहाँ बहुत फेमस है, बेकरी और नॉन वेज के लिए, लेकिन मेनली यहाँ पे बेकरी के लिए बहुत फेमस है। अभी शाम हो रहा है, शायद 7:30 बज रहा है, और निकल चुके हैं NIT घाट की तरफ, जो पटना का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो बिल्कुल सीधे पड़ता है। हाँ सर जी, इधर नहीं जाना। इधर घाट है ना, घाट जाना था मुझे। घाट बंद हो गया। अच्छा घाट बंद हो जाती है। हाँ। कितने बजे? 6 बजे का। 6 बजे के बाद घाट बंद। सर बता रहे हैं कि 6 बजे के बाद घाट बंद हो जाती है। अगर कल आना हो तो मॉर्निंग में कितने बजे खुलता है? मॉर्निंग खुला रहेगा 5-6 बजे। गर्ल्स हॉस्टल है ना? अच्छा अच्छा, उसके अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की लोग हॉस्टल के जाती है कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रीज़न है। पटना घूमने आया था मैं, सोचा कि घाट भी घूम लूँ, अब कल घूमा जाएगा। तो कुछ है भी नहीं, आप रोज़ आते जाते हैं, आपके लिए कुछ नहीं है, हम तो पहली बार आए, हमारे लिए बहुत कुछ होगा ना। चलिए चलिए, धन्यवाद। बेसिकली अभी मैं NIT घाट जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने आगे जो गेट है ना वहाँ रोक लिया, कह रहे हैं कि अभी अलाउड नहीं है, आई थिंक 6 बजे के बाद शायद बंद ही हो जाता है। तो आप कल ट्राई करेंगे, कल का मामला देखते हैं कल कैसा रहेगा। बेसिकली पटना जंक्शन भी वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है पटना के, तो हेयर वी आर। ये देखो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी नहीं, अभी लाइटिंग वाइटिंग लगा के बिल्कुल सेटअप वटअप मस्त कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट ये मंदिर, ये पीछे जो मंदिर है ना, ये भी आइकॉनिक में आता है। लाइक आप अगर सर्च करोगे मैप पे, गूगल, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो